सभी को नमस्कार। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो कि शायद आपने ना सुने हों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बातें लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके लाइफ लेसन्स अगर लोग सीख लें तो लोग कितना भी सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए आज हम उनके कुछ ऐसे तथ्य आपको बताएंगे। वैसे तो अब्दुल कलाम किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना उनके बारे में ज़रूरी हैं। पहला, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में है। और उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम जब 8 साल के थे तब से सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करने के बाद गणित की क्लास पढ़ने जाते थे, क्योंकि उनके अध्यापक ने ये रूल बना रखा था कि जो भी विद्यार्थी नहाकर नहीं आएगा वह उसको शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए अब्दुल कलाम रोज़ सुबह 4 बजे उठकर नहाकर ही गणित की क्लास में पढ़ने जाते थे, इसलिए उनके अध्यापक उनको निःशुल्क क्लास दिया करते थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन में अखबार भी बांटा करते थे। दरअसल वे अपने पिता की आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते थे, जिनके लिए वे स्कूल से आने के बाद अखबार बांटने निकल जाया करते थे। बचपन की वह स्कूल जाने की आदत, 4 बजे उठने की आदत, नहा के जाने की आदत अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के एंड तक नहीं छोड़ी। वह अपने जीवन के अंत तक सुबह 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाया करते थे। 1922 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया। डॉक्टर कलाम को वर्ष 1997 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कलाम ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। अब्दुल कलाम की एक रोचक तथ्य यह भी है कि अब्दुल कलाम फाइटर जेट बनाना चाहते थे, वह फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उस एग्ज़ाम में उनकी 9वीं रैंक आई थी, जबकि उसमें केवल 8 ही पोजीशन तक सिलेक्शन होना था। किसी कारणवश 9वीं पोजीशन आने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाद में वह बहुत हताश भी हुए, लेकिन एक ज्योतिष उनको मिला जिसने कहा कि तुम इससे भी बहुत बड़ा करोगे, ये सारी नेवी फोर्स, मिलिट्री, ये सारी सुविधाएं तुम्हारे नीचे रहेंगी, तुम इससे भी ऊपर वाले पद पर जाओगे। बाद में आप सभी को मालूम ही है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह शब्द अब्दुल कलाम के थे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सका। कमाल के थे कलाम साहब, एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। वह गरीबी से सफलता का एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा प्रमाण है जो कि सचमुच अगर आदमी उनके जीवन के लाइफ लेसन्स को सीख ले तो वह सक्सेस होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। आजकल लोगों पर सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग प्रयत्न नहीं करते, सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने जैसा इस वीडियो में जाना कि अब्दुल कलाम ने कैसी परिस्थितियों को झेला। उनके पिताजी एक नाविक थे, वह अपनी नाव को किराए पर दिया कर देते थे अपनी दिनचर्या, अपने डेली एक्सपेंसेस को उठाने के लिए। क्या हमारे माता पिता या हमको ऐसा कुछ काम करना पड़ता है? क्या हमें रोज़ घर घर जाके अखबार डालने पड़ते हैं? हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी हम परिश्रम क्यों नहीं कर पाते, फिर भी हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अंत करना चाहता हूँ और आगे फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।